मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में NSUI प्रदेश अध्यक्ष विपिन वाखेड़े का पुतला दहन किया गया। बताया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि उम्मीदवारी स्थानीय हो न कि बाहरी हो। ये पुतला दहन कोर्ट के सामने किया गया। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही विपिन वाखेड़े का पुतला दहन किया। आगर विधानसभा कांग्रेस से उम्मीदवारी के लिए दावेदारी कर रहे वाखेड़े को कार्यकर्ताओं ने बाहरी उम्मीदवार बताया। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि स्थानीय को उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो पार्टी का हारना निश्चित रूप से तय है। आप देख रहे हैं आगर मालवा से समरथ सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जमुनिया से निवास करता हूँ एवं हमारे सभी साथी जो हैं सभी गांव से आए हैं, सभी कार्यकर्ता स्थानीय कार्यकर्ता हैं यहाँ के और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता हैं। हम सब चाहते हैं कि यहाँ से स्थानीय को टिकट मिले और स्थानीय यहाँ से विजय मिलेगी अगर स्थानीय चुनाव लड़ता है, और अगर बाहरी को टिकट मिलती है तो यहाँ से पार्टी को हार स्वीकार करना पड़ेगी। कहीं ना कहीं मतलब जो है कार्यकर्ता में भी एक आक्रोश है कि स्थानीय होना चाहिए। हम अगली बार भी हमने बाहरी को जला है और जलते आए हैं। इस बार जो है राहुल गांधी जी का भोपाल में भी उन्होंने बोला है कि इस बार 1300 को टिकट नहीं दिया जाएगा और ना दूंगा ना देने दूंगा। तो हम राहुल गांधी जी के विश्वास पे यहाँ पे अड़े हुए हैं कि बिल्कुल हम राहुल गांधी जी पे विश्वास भी हमें कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। और किसी कारणवश अगर कोई बाहरी आता है यहाँ से बाहरी विधानसभा जो अपने बाहरी उम्मीदवार जो है प्रदेश अध्यक्ष है विपिन वानखेड़े वो अपने आप के टिकट यहाँ के फिक्स मान रहा है और बोल रहा है टिकट फाइनल हो चुकी है और प्रचार मतलब गांव गांव में झंडे डंडे पहुँचा रहे हैं और कार्यक्रम के साथ वो प्रचार चालू कर रहा है। और हमें लगता है कि राहुल गांधी जी यहाँ स्थानीय को टिकट देंगे और हम स्थानीय अगर यहाँ से लड़ता है तो कहीं ना कहीं विजय श्री मिल जाएगी, हमारा ये विश्वास है। और अगर बाहरी लड़ता है तो चुनाव इस बार नहीं जीत पाएंगे।